हाल ही में एक फिल्म आई जिसका नाम है द केरला स्टोरी। ध्रुव राठी ने इस फिल्म पर एक वीडियो बनाया और उनका ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और उनके चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो बन गया। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने बताया है कि द केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है और इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है ये सब फेक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ध्रुव राठी के इस वीडियो को लेकर काफी लोग भड़क गए और कई यूट्यूबर्स ने भी इस पर वीडियो बनाया है, जिससे यूट्यूब पर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लेकिन आखिर ध्रुव राठी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण उनको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है? आखिर कौन सही है, ध्रुव राठी या फिर अन्य यूट्यूबर, और क्या है इसका असली सच? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। द केरला स्टोरी रिलीज होने के बाद ध्रुव राठी ने इस पर एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि मूवी में ये जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, यानी कि ये फिल्म झूठी है और फिल्म में ये जो 32,000 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है ये 32,000 नहीं बल्कि सिर्फ 3 है। इस वीडियो के बाद इसके रिप्लाई में एल्विस यादव ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि ये 32,000 का आंकड़ा किस प्रकार से ठीक बैठता है। तो भाई पहली डेट है 25 जून 2011 जहां पे केरला असेंबली में एक रिपोर्ट आती है कि 2005 से 2008 तक 2500 से 3200 लड़कियों का हर साल कन्वर्जन हुआ। 2009 में भाई रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक टाइम्स की कि 3000 से 4000 कन्वर्जन हुए, इस्लामिक कन्वर्जन हुए इस पीरियड में, और ये जो कन्वर्जन हुए हैं ये लव अफेयर के बाद वाले हैं। ये रिपोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स की पढ़ लेना, मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर तुम खुद समझदार हो गूगल पे जाके तुम पढ़ लोगे, मुझे पता है। और साथ साथ 2009 में एक और रिपोर्ट आती है जिसके अंदर पता लगता है कि भाई हिंदूज नहीं, हिंदू की लड़की नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस की भी 2600 लड़कियां क्रिश्चियंस की भी कन्वर्ट हुई लव अफेयर के बाद 2006 से। 2012 में चीफ मिनिस्टर था भाई जो कांग्रेस का ही था केरला का, उसने रिपोर्ट दी कि 7713 लोग 32,000 पर ईयर के हिसाब से जोड़ लो, 32,000 कैसे बना भाई, सिर्फ 3 लड़कियों पर रखा था हम 32,000 की रिपोर्ट ले। और साथ ही एल्विस यादव ने ध्रुव राठी पर कई एलिगेशंस भी लगाए हैं, जैसे कि उनको वीडियो बनाने के लिए आम आदमी पार्टी से फंड दिया जाता है। एक यूट्यूबर है इंजीनियर रिवील्स के नाम से, उन्होंने ध्रुव राठी पर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी का कनेक्शन कैसे आम आदमी पार्टी के साथ है और इसीलिए वो हमेशा आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में ही वीडियो बनाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं ये जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इन वीडियोज को ध्रुव राठी के यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया गया है। जनता के सामने न्यूट्रल बने रहने के लिए ये जरूरी था कि ध्रुव के जो पुराने पोस्ट हैं, वीडियोज हैं, इन सब को वो इंटरनेट के ऊपर से हटा दे, और ध्रुव ने वही किया। जितने भी पोस्ट थे, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, जितने भी वीडियोस थे जिनको मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया, उन सब को ध्रुव राठी ने रिमूव कर दिया। यहाँ तक कि जिस आईडी से ध्रुव आम आदमी पार्टी के ग्रुप में पोस्ट किया करता था उस आईडी को भी उसने डिसेबल कर दिया था और नया आईडी बनाया था जो कि फिलहाल अभी एक्टिव है। ध्रुव राठी, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस को प्राइवेट कर दिया तो एक्सेस नहीं हो सकता उसे? भाई ये इंटरनेट है और इंटरनेट का किंग वो होता है जिसको ये पता होता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या है। तुम चाहे अपने फुटप्रिंट्स कितने भी मिटा लो, कितने भी छिपा लो, लेकिन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आने वाले से नहीं छिप सकते हो। उन्होंने कई ऐसे एविडेंस दिखाए जिससे हम कह सकते हैं कि ध्रुव राठी का आम आदमी पार्टी के साथ बहुत गहरे संबंध है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप्स के एडमिन भी रह चुके हैं और वो पहले उनके एडिटर भी थे। साथ ही लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी कैसे आधे अधूरे फैक्ट बताता है। इन यूट्यूबर्स का कहना है कि ध्रुव राठी कुछ ही गिने चुने वेबसाइट्स से फैक्ट इकट्ठे करते हैं
और उन्हीं से रिसर्च करके अपनी वीडियो बनाते हैं और वो बाकी वेबसाइट्स को फर्जी या फिर पैड बताते हैं। उन सबको वो गोदी मीडिया कहते हैं। ध्रुव राठी द प्रिंट जैसे कई वेबसाइट्स से रिसर्च करते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ध्रुव राठी खुद इस साइट में राइटर हैं। साथ ही इंजीनियर रिवील्स ने एक ऐसा ग्रुप दिखाया जो उन्होंने बताया कि ये ध्रुव राठी का ग्रुप है और पहले के समय में इस पर चर्चा होती थी कि अब चुनाव आने वाले हैं तो हमको कैसी और किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए। ध्रुव राठी राम के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानते। उनका कहना है कि ये बस एक काल्पनिक कहानी है। लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी कैसे आधे अधूरे फैक्ट दिखाकर लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। लक्ष्य चौधरी ने यह भी बताया कि ध्रुव राठी को अगर किसी सही चीज को गलत दिखाना है तो वो कैसे करता है। उन्होंने कहा कि ध्रुव राठी सबसे पहले कुछ सही फैक्ट्स को दिखा देते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये तो सही ही बता रहा है, जिसके बाद में एक सिस्टमेटिक वे में लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। प्रतीक बरोड़े ने भी एक अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बताया। ध्रुव राठी ने कहा कि एल्विस यादव लोगों में नफरत फैलाने का काम करता है। उसकी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप कोई सीख ले सकें। वैसे तो इस कंट्रोवर्सी पर सैकड़ों वीडियोस बन चुकी हैं और इसके रिप्लाई में ध्रुव राठी ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में उन्होंने किसी भी लॉजिकल पॉइंट को काउंटर नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ सिंपल पॉइंट्स को उस वीडियो में डिस्कस किया। साथ ही इंजीनियर रिवील्स ने एक नया वीडियो बनाया जो कि उन्होंने अपने मेन चैनल पर अपलोड किया। उसमें उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी ने मेरी वीडियोज के पॉइंट्स को भी काउंटर नहीं किया क्योंकि उसके पास इनका जवाब ही नहीं है और मैं उसको चुनौती देता हूँ कि वो मेरी वीडियो का रिप्लाई करे। मुझे पता है कि वो रिप्लाई करेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास इसका कुछ जवाब ही नहीं है। और ध्रुव राठी तुम्हारे अगर तशरीफ में दम है ना तो मेरे वीडियो को काउंटर करके दिखाओ। मुझे पता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी पोल खुल चुकी है, सब जान चुके हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा असली चेहरा क्या है। तुमने वीडियो में कहा कि मैं टॉप वीडियोस को सिलेक्ट करता हूँ और उनके बारे में बात करेंगे। क्यों, स्ट्रिंग का जो वीडियो था वो टॉप में नहीं था क्या? तुमने स्ट्रिंग के वीडियो को तो काउंटर नहीं किया, ना उसका रिप्लाई कर पाए, ना तुमने मेरे वीडियोस पिक किए और मेरे उसी वीडियो के रील पर तो 2 मिलियन व्यूज है। सो ध्रुव राठी सिर्फ एक आसान टारगेट सेलेक्ट कर रहा था और एल्विस यादव उसे आसान टारगेट मिल गया। तो दोस्तों आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है, कौन सही है, ध्रुव राठी या फिर अन्य यूट्यूबर्स? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए।